Elon Musk. इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरेस्ट. To preserve the constitution. सबका कोई ना कोई बाप होता है, बॉस का भी बॉस होता है. एलन मस्क साउथ अफ्रीका में पैदा हुए. प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको तीन रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है. आम जनता का वोट यूज किया जाता है बिजनेसमैन का पर्पस फुलफिल करने के लिए. अगर कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट के हाथ में पावर है. वेलकम बैक बड़ी सत श्रीकाल, सब वधिया ते कमाल. इलेक्शन चल रही है अमेरिका में, लेकिन कुछ बिजनेसेस, कुछ बिजनेसमैन इस इलेक्शन में अब डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए. अभी एक रैली हुई बटलर पेंसिल्वेनिया में, फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की रैली में इलॉन मस्क, इस दुनिया के अमीर इंसान, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस रैली में होते हुए दिखा और उन्होंने एंडोर्स किया डोनाल्ड ट्रंप को. प्रेसिडेंट ट्रंप मस्ट विन. इतना अमीर इंसान, उसको इतना इलेक्शन में दिलचस्पी क्यों है? इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरेस्ट. सामने देखकर बता सकते हो आप, जो इंसान इतनी कंपनीज चला रहा है, कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट के हाथ में पावर है जो उनको डुबा सकती है या आगे और बढ़ा सकती है. तो आज बात करते हैं इलॉन मस्क का डायरेक्ट एंडोर्समेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की रैली में जो बटलर पेंसिल्वेनिया में हुई, क्यों था और ये क्यों इतना इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं इस इलेक्शन में. He must win to preserve democracy in America. डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में इलेक्शंस की जाती हैं ताकि आम जनता की आवाज सुनी जाए. आम जनता को क्या दिक्कत आ रही है, किन मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ रहा है अपनी डे टू डे लाइफ में, उन चीजों को सही किया जाए. लेकिन अक्सर इलेक्शन में आम जनता को मैनिपुलेट करके किसी बिजनेसमैन का पर्पस फुलफिल किया जाता है. इसीलिए आप देखो इस इलेक्शन में इलॉन मस्क, जो कि दुनिया के इतने अमीर इंसान है, लेकिन फिर भी पावर गवर्नमेंट के हाथ में है. जो कंपनीज वो चला रहे हैं, उन कंपनीज को चलाने के लिए उनको भी पावर की जरूरत है. इसीलिए वो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं. इस दुनिया में सबका कोई ना कोई बाप होता है, बॉस का भी बॉस होता है. उसी तरह से जब मैं ये रैली देखा ना, मुझे लगा यार इलॉन मस्क इतना अमीर इंसान, फिर भी उनको जरूरत पड़ रही है कि भाई गवर्नमेंट का हाथ उन पर बना रहे. अब उनके क्या इंटरेस्ट हैं जो कि इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उनका दिख रहा है इस इलेक्शन में. देर आर प्लेंटी ऑफ इंटरेस्ट दैट इलॉन मस्क एंड हिज कंपनीज वॉन्ट टू फुलफिल इन दिस इलेक्शन. अब वो कैसा है, इनकी कंपनीज, कुछ कंपनीज के नाम आपको भी मालूम होंगे, स्पेस एक्स, टेस्ला. अब ये सभी कंपनीज अंडर इन्वेस्टिगेशन है बाय गवर्निंग रेगुलेटर्स. तो आप सोचो, अगर आपके पीछे गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन पड़ी हो तो आप क्या नहीं चाहोगे यार, क्यों ना आप गवर्नमेंट को ही अपना दोस्त बना लें. वैसा ही अप्रोच इस इलेक्शन में इलॉन मस्क फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दे रहे हैं ताकि उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट फुलफिल हो सके. उनको क्या चीज चाहिए गवर्नमेंट से, वो पूरी हो सके. बाकी जो आम जनता है वो तो वोट देने के लिए है ताकि उनका वोट यूज करके अपना पर्पस फुलफिल किया जाए. इलेक्शन चाहे इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो या अमेरिका की हो, आम जनता का वोट यूज किया जाता है बिजनेसमैन का पर्पस फुलफिल करने के लिए. अगर आम जनता समझदार नहीं है तो, अगर तो आम जनता समझदार होगी तो क्लियरली आप पकड़ सकते हो कि भाई ये इलेक्शन में चल क्या रहा है. इलॉन मस्क फॉरेन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की रैली में आकर बोलते हैं कि आप डोनाल्ड ट्रंप को वोट करो टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन. टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन अगर आप 2024 रिपब्लिकन प्लेटफॉर्म पढ़ो या प्रोजेक्ट 2025 के बारे में पढ़ो तो उसमें सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए बोली गई. लेकिन फिर भी एंडोर्समेंट करनी है फॉरेन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ताकि लोग वोट करें, वो जीतें और मेरा पर्पस फुलफिल हो जाए, मेरी कंपनीज आगे बढ़ते रहीं, मेरी कंपनी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो थोड़ा सा हट जाए. अब एक छोटी सी एग्जांपल लेके समझते हैं. आपने भी टेस्ला का नाम सुना है, टेस्ला की कार्स ऑटोमेटिक चलती हैं. लेकिन आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा कि भाई टेस्ला जो है विदाउट ड्राइवर उसको परमिशन मिल गई हो कि अपनी कार आप रोड पे चला सकते हो. ये तब तक नहीं हो सकता जब तक गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, जब तक गवर्नमेंट को नहीं लगता कि यार ये कार जो है सेल्फ ड्राइविंग कैपेबल है. और ये तभी पॉसिबल है अगर गवर्नमेंट का हाथ सर पर हो. अपने आप देखना, आप ऑटोमेटिक कार्स आ जाएंगी रोड में.
दूसरा पर्पस टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार्स है। अब आप सोचो, हर एक प्रोडक्ट चाइना में बनता है। नाइकी का शू, एडिडास का शू, ये जितनी कंपनीज है बड़ी बड़ी, इनके सभी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में बैठे हैं। चाइना से शूज बनकर ब्रांड लगकर यहाँ पर पहुँचता है और फिर वो प्रोडक्ट बेचा जाता है। अब आप सोचो, जब चाइना हर चीज़ बना सकता है तो क्या वो इलेक्ट्रिक कार नहीं बना सकता? इसीलिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ लेकर क्यों आ रहे हैं, ताकि चाइनीज मार्केट अमेरिका में अपना दबदबा ना बना ले। क्योंकि अगर एक बार वो आ गए, टेस्ला को तो कोई पूछेगा भी नहीं। अगर टेस्ला यहाँ पे $50,000 की बिक रही है इस टाइम, चाइनीज मार्केट अगर एंटर हो गई तो वो तो भाई $20,000 में दे देंगे। तो आप खुद सोचो, सेम बैटरी वाली कार $50,000 क्यों खर्चेगा? इसीलिए एलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप की साइड दे रहे हैं, ताकि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाएं बाकी जितनी भी कंट्रीज से प्रोडक्ट इंपोर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना से तो अगर कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट होगा तो उस पर 60% का टैरिफ फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। तो ये फायदा सीधा सीधा टेस्ला, सीधा सीधा एलॉन मस्क की कंपनी को है। क्योंकि अगर ये टैरिफ वगैरह नहीं लगे और चाइनीज कार इस अमेरिकन मतलब अमेरिका में उतर गई मार्केट में, तो भाई टेस्ला का शेयर चला जाएगा, तबाह हो जाएगी कंपनी। और मैं अभी देखता हूँ, मैं इतनी, आप देखना अमेरिका में रोड पे कितनी कार्स हैं, पर टेस्ला गिनी चुनी दिखती है मेरे को। टेस्ला मतलब लोग बैटरी पे यार इतना ज़्यादा अभी जो है लोगों का भरोसा नहीं बना है। तो सोचो अगर चाइनीज लोग आ गए मार्केट में, तो जो थोड़ा बहुत भरोसा है वो भी जो है फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से लोग उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब चाइनीज माल आपको पता है सस्ता मिल जाता है, तो अगर आपको एक जगह 50,000 की बैटरी वाली कार है, दूसरी जगह उसका हाफ प्राइस पे सेम बैटरी मिल रही है, तो आप कौन सी लोगे? टेस्ला इज अ लीडिंग इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दिक्कत टेस्ला से नहीं है किसी को, पर दिक्कत क्या है, जब कोई इंसान आपसे झूठ बोले, आप सीधे सीधे बोल दो ना यार कि वोट करो डोनाल्ड ट्रंप को ताकि हमारी इकोनॉमी बनी रहे, ये सब बातें करो कि यार मेड इन अमेरिका सपोर्ट करो, मेड इन अमेरिका में चीज़ें बनेगी उसको लो खरीदो, ऐसी चीज़ें जनता को बोलो। लेकिन जब ये जनता को झूठ बोलते हैं ना, अरे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, बाहर से लोग जो है, इमिग्रेशन का तो खामखा ही इशू बना दिया इन्होंने जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, खाली खाली अपना पर्पज़ फुलफिल करने के लिए। आप सीधे जनता को सामने बोल दो यार मेरे को नुकसान होगा अगर चाइनीज मार्केट उतरगी, तो आप प्लीज़ डोनाल्ड ट्रंप को वोट करें, मेड इन अमेरिका को सपोर्ट करें, ऐसा बोल दो। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं बोली, वो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करो। और अगर आप एक्चुअल में देखोगे जो प्लेटफॉर्म है रिपब्लिकन पार्टी का, वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का प्लेटफॉर्म है वो हमारी जनता बेचारी पढ़ती नहीं है ना, आप जाके पढ़ो, इसको रिसर्च कर दो, आपको समझ में आएगा एक्चुअल में इलेक्शन में हो गया। टेस्ला इज अ ब्रांड यार, टेस्ला जो है बहुत अच्छी कार मैन्युफैक्चर कंपनी है। मैंने खुद टेस्ला चलाई है और मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली बहुत अच्छा रहा। लेकिन मैं $50,000 एक बैटरी वाले कार में देने से पहले सोचूंगा, एक हेजिटेशन लोगों में ज़रूर है कि यार मैं एक इलेक्ट्रिक कार पे अपना $50,000-$60,000 लगा रहा हूँ, तो मुझे क्या इसकी क्या रीसेल वैल्यू है, क्या ये उतना साथ देगी भी जो बताया जा रहा है? तो अभी इतना जो है लोगों का भरोसा इन इलेक्ट्रिक कार्स में बना नहीं है। अगर चाइनीज मार्केट भी उतरती है, फिर भी लोग जो है इतना ईवी की तरफ नहीं जाएंगे, बेशक वो हाफ प्राइस में आपको दे देंगे, लोग टेस्ला की बजाय वो लेना चाहेंगे, क्योंकि सेम ही बैटरी सेम ही सब कुछ जो है अगर आपको आधे प्राइस मिलेगा, तो यस जनता जो है उसी तरफ जाएगी। और ये कंसर्न ये बिल्कुल जनता के साथ डिस्कस करना चाहिए कि मेड इन अमेरिका को सपोर्ट करो, आप जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है अमेरिका में उसको सपोर्ट करो, ताकि अमेरिका की इकोनॉमी बनी रहे, आगे बढ़ते रहे। लेकिन जब एक बिजनेसमैन और एक पॉलिटिशियन झूठ बोलते हैं ना कि यार कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करना है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, भाई कॉन्स्टिट्यूशन भी तुम ही चेंज कर रहे हो और जनता को भी बोल रहे हो कि नहीं नहीं कॉन्स्टिट्यूशन बचाना भी है, ये चीज़ें समझ में नहीं आती। फिर जनता बोलती है यार ये झूठ बोल रहे हैं, और जो भी इंसान झूठा होता है वो पकड़ा जाता है। अब ये टैरिफ की बात कर रहे हैं, अब एग्जांपल लो, अब नाइकी जो है ब्रांड है, ठीक है, लेकिन उसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है, अब चाइना से यहाँ पर इम्पोर्ट होगा, तो होगा क्या, जब उस पर टैरिफ लगेगा तो वो जो कॉस्ट है वो सारी कॉस्ट यहाँ का कंज्यूमर भरेगा। अगर पहले आपको वो $40 का मिलता था, ये टैरिफ लगने के बाद हो सकता है वो 50 का मिले, 60 का मिले, तो एक्चुअल में जनता का नुकसान है टैरिफ में। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। एक बिलियनर है, उनका नाम है मार्क क्यूबन, वो भी बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ मॉडल के बिल्कुल अगेंस्ट है। अब आप बोलोगे यार एलॉन मस्क कितने अमीर बंदे, बिजनेसमैन, इनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो मार्क क्यूबन जो बिलियनर है वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? सीधी सी बात है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क की पार्टनरशिप है, बेसिकली फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इन दोनों के बीच में, इन दोनों की डील्स हैं,
तो ऑब्वियसली यार इन दोनों को अगर फायदा होगा तो एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, अमीर लोग, इलॉन मस्क जैसे लोग गवर्नमेंट के पीछे पड़े हुए हैं कि यार इनको वोट करो ताकि मेरा पर्पस फुलफिल हो। हैरानगी मुझे ये लगती है कि यार आम जनता इस चीज को क्यों नहीं सोचती। आपको क्या चाहिए अपनी गवर्नमेंट से, वो देखो, वो पॉइंट्स लिखो, उसके कंपेयर करो कि भाई डेमोक्रेट्स क्या दे रही हैं, रिपब्लिकन क्या दे रही है। थोड़ा सा इलॉन मस्क की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। इलॉन मस्क साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे, वो वहां के सिटीजन थे। उनकी जो मदर थी वो कैनेडियन सिटीजन थी, तो उनके थ्रू इलॉन मस्क कैनेडियन सिटीजन बन गए और उसके बाद अमेरिका आए वो एज ए स्टूडेंट वीजा पर। स्टूडेंट आए थे, फिर यहां पर उन्होंने एक कंपनी बिल्ड की जिसका नाम था जिप टू करके। उसके थ्रू उनको EB-5 कैटेगरी में यहां पर ग्रीन कार्ड मिल गया 1997 में, और 2002 में इलॉन मस्क बन गए US सिटीजन। तो आप बोलोगे यार अगर US सिटीजन इलॉन मस्क हैं, इतने अमीर हैं, तो वो इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े होते। इसका रीजन ये है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको तीन रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है दैट यू शुड बी अ नेचुरली बॉर्न सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब आपका जन्म अमेरिका में हुआ होना चाहिए अगर आपको प्रेसिडेंट के पद के लिए अप्लाई करना है। ये पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी है कि यू शुड हैव लिव्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर 14 ईयर्स, और उसकी तीसरी रिक्वायरमेंट है कि आप एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए। अब बाकी दो रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करते हैं इलॉन मस्क, लेकिन जो नेचुरली बॉर्न सिटीजन है वो रिक्वायरमेंट इलॉन मस्क फुलफिल नहीं करते। इसी वजह से वो प्रेजिडेंसी के लिए नहीं खड़े हो सकते। लेकिन वो बोलते हैं ना, कोई बात नहीं, अगर आप प्रेजिडेंट नहीं बन सकते लेकिन आप एक प्रेसिडेंट के दोस्त तो बन सकते हो। तो वही काम वो कर रहे हैं इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करके, ताकि इनडायरेक्टली पावर उनको मिल सके। देखा, इलेक्शन तो आम जनता के लिए है लेकिन पर्पस एक बिजनेसमैन का फुलफिल हो रहा है। तो ये सारी चीजें एक आम जनता को जरूर, आप वोट करें अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप को करना है आप उनको करें, अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को करना है आप उनको वोट करें, लेकिन वोट जरूर करें। अपने पॉइंट्स को लिखें कि भाई मुझे मेरी गवर्नमेंट से क्या चाहिए, फिर उसको देखकर आप देखो कि भाई कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। मिलता हूं आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। देन शको फटर। हाँ, इलेक्शन चल रही है तो आपको भी पता होना चाहिए कि इलेक्शन में क्या चल रहा है।